गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग यूनिट 3 वेयर देयर इज अ विल एंड टुडे आई विल डिस्कस एक्सरसाइज A13 व्हिच इज टेप स्क्रिप्ट. यू हैव रेड अबाउट एकलव्य हु इवन आफ्टर लूजिंग हिज राइट थंब कीप प्रैक्टिसिंग becoming a great archer and even raised an army. Now, listen to the story of a brave boy, Jitendra Kumar Sharma, who fought with some robbers even after a bullet had hit him in the back. So, क्या बोल रही है, हमें हमने जो है एकलव्य की कहानी पढ़ी है जिसमें कि एकलव्य जो है अपना राइट थंब जो है खो देता है और उसके बावजूद भी वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है और एक बहुत बड़ा जो है आर्चर बनता है और साथ ही साथ अपनी एक आर्मी भी रेस्ट करता है. अब जो है इस स्टोरी में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक लड़के के बारे में, बहादुर लड़के, ब्रेव बॉय के बारे में, जिसका नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है. और वो क्या है, किसके साथ लड़ता है, रॉबर्ट्स यानी जो चोरी करने आते हैं, ठीक है, एक टेंपल में, और कैसे उसकी पीठ पर जो है गोली लगी है फिर भी वो बहादुरी से उनका सामना करता है. लिसन टू द ऑडियो सीडी, लिसन टाइटल एंड कॉम्प्रिहेंस क्लास 5th. आफ्टर लिसनिंग आंसर द क्वेश्चन वर्बली, देयर आफ्टर कंप्लीट द गिवन एक्सरसाइज इन टेप स्क्रिप्ट. The trip script is also given on page number 77. As we know, we are at home. So I'm going to read this tape script. After that, we will complete the exercise of this tape script. Page number 77, tape script. Brave boy Jitendra Kumar Sharma. It was late evening. बहुत शाम की बात है, इवनिंग के टाइम की बात है. Some robbers entered the Kalyanji temple at Digi. So कुछ जो लुटेरे हैं वो कहाँ एंटर करते हैं, एक टेम्पल है जिसका नाम है कल्याणजी और वो कहाँ पर है, डिगी जगह है, वहाँ पर वो एंटर करते हैं. After threatening the priest, they proceed to take off the crown and the jewels of the main idol. So, threatening means dhamkana. The priest means pandit. So, जो वहाँ के temple के पंडित हैं, उनको वो threatening देते हैं, डराते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, proceed मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं उस मूर्ति के पास, उस आइडल के पास जिसके ऊपर क्या है, क्राउन है और कुछ ज्वेल्स है लगे हुए. तो धमकाने के बाद प्रिस्ट को आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो क्राउन और ज्वेल्स की मूर्ति है. द प्रिस्ट मैनेज्ड टू रन टूवर्ड्स एन इनर रूम टू द अदर members of his family. और जो प्रीस्ट है, पंडित है, अभी मैनेज करते हैं कि कैसे जो है इन रॉबर्स को पकड़ाया जाए. तो वो मैनेज करके जो है अंदर की तरफ भागते हैं, अंदर वाला जो रूम है उसका, मंदिर का, जहाँ पर उसकी फैमिली मेम्बर रहते हैं. तो वहाँ पर वो अंदर पहुँचने की कोशिश करते हैं अपने फैमिली मेम्बर, जहाँ पर उनके अदर फैमिली मेम्बर्स हैं फैमिली के, तो उस रूम में पहुँचने की कोशिश करते हैं. Reacting immediately, his family member rushed toward the temple part. जैसे वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एकदम से इमिडिएटली उसी समय रिएक्ट करते हैं और भागते हैं, rush toward the temple part, जहाँ पर टेम्पल का वो भाग है जहाँ पर मूर्ति रखी गई है, आइडल है, जहाँ पर रॉबर्स हैं वहाँ की तरफ भागते हैं.
द प्रीस्ट्स 14 years ओल्ड सन जितेंद्र पाउंस्ड अपॉन अ रॉबर हु हैड द क्राउन ऑफ द मेन आइडल। जो प्रीस्ट है पंडित का 14 साल का लड़का है जिसका नाम क्या है जितेंद्र, पाउंस मतलब जम मारता है, पकड़ता है उसे हाथों से किसको, एक रॉबर के ऊपर, ठीक है, उछल के जाता है और किसके पास, जिसके पास की उस मूर्ति का क्राउन है उसके ऊपर जाके उसे पकड़ता है झपटते हुए। हिज मदर शकुंतला देवी स्नैच्ड द क्राउन फ्रॉम द रॉबर। और जो उसकी मदर है, ठीक है, जितेंद्र कुमार की, वह उनका नाम है शकुंतला देवी, और वो रॉबर के पास जो क्राउन है उसको स्नैच करती है, स्नैच मतलब छीनती है। जितेंद्र कुमार उसके ऊपर दम से उस पर चपटा मारते हैं, उसकी मदर उस क्राउन को उस रॉबर से छीन लेती है। द रॉबर फायर टू फ्रेटन हर, और जो रॉबर है उन्हें डराने के लिए फायर मतलब कि गोली चला देते हैं ताकि वो डर जाएं और वहाँ से भाग जाएं कहीं पर। वन ऑफ द बुलेट हिट शकुंतला देवी इन द हेड, और जब वो फायर करते हैं तो उनमें से एक जो बुलेट है वो क्या करती है, शकुंतला देवी के हेड पर जाकर लग जाती है। एज शी बिकम अनकॉन्शियस द क्राउन स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स, जैसी वो गोली उनको लगती है थोड़ी अनकॉन्शियस हो जाती है, मतलब बेहोश हो आती है थोड़ी सी, और उनके हाथ से जो है वो जो क्राउन है स्लिप होकर गिर जाता है। एक्टिंग क्विकली जितेंद्र पिक्ड अप द क्राउन, और एक्टिंग करते हुए जितेंद्र भी थोड़ी सी एक्टिंग करता है गिरने उछलने की, और फट से जाकर क्या करता है उस क्राउन को उठा लेता है। जस्ट देन अ बुलेट हिट हिम इन द बैक, और तभी क्या होता है एक बुलेट जो है उसके बैक पे जाकर लग जाती है, पीठ पे उसके बुलेट जो है हिट कर जाती है। विदाउट केयरिंग द ब्रेव बॉय रन ऑफ विद द क्राउन, बिना किसी प्रभाव के उसको गोली लगी है वो जो बहादुर लड़का है उस क्राउन को लेकर भागता है। द रॉबर्स चेस्ड हिम बट कुडंट कैच हिम, जो रॉबर्स हैं उसको उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं काफ़ी दूर तक पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। द क्राउड कॉट टू ऑफ द रॉबर हु वर लेटर हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और तभी जो है भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती है, उनमें से दो रॉबर्स को जो लुटेरे हैं उनको पकड़ लेती है और किसे हैंडओवर कर देती है, जो पुलिस है वहाँ की उन्हें हैंडओवर कर देती है। सो हियर वी हैव रेड कैसे जितेंद्र कुमार शर्मा बिना अपनी जान की परवाह किए हुए क्राउन को बचाता है, और कैसे जो उनकी मदर है उनके हेड पर गोली लगी है उसकी वो परवाह नहीं करता कि क्या होगा मदर को, और उसका एक ही मोटिव होता है कैसे जो है ये क्राउन जो आइडल का क्राउन उसे बचाया जाए। सो डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल, बट विल यू डू, यू विल रीड दिस स्टोरी एंड टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस टेप स्क्रिप्ट। आप भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने की, जो कि मैं कल डिस्कस करूंगी आपके साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।